दो बार राजस्थान की सीएम रही वसुंधरा अभी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। चर्चा है कि बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में उनके कद का फायदा उठाने के लिए केंद्र की राजनीति में ला सकती है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि वसुंधरा को कौन सा पद मिलता है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिली जीत ने भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नया उत्साह भर दिया है। चुनाव नतीजों के बाद राजस्थान मध्य प्रदेश को नए सीएम भी मिले हैं, लेकिन इस शानदार कामयाबी के बाद भी बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वैसी ही स्थिति राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे की भी है। वसुंधरा राजे की तमाम कोशिशें असफल रहीं। पार्टी आलाकमान ने उनकी जीत को दरकिनार करते हुए भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया सीएम घोषित कर दिया। पार्टी ने उन्हें राज्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वसुंधरा का आगे क्या होगा। क्या वसुंधरा राष्ट्रीय राजनीति में आएंगी या फिर सियासत के बियाबान में खो जाएंगी? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा अभी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राजस्थान में जो विधायक जीते हैं उनमें दो दर्जन से ज्यादा वसुंधरा कैंप के हैं। इनमें कई सीनियर हैं, लिहाजा सरकार चलाने में इनकी अहम भूमिका हो सकती है। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व के कहने पर वसुंधरा ने मुख्यमंत्री बनने जा रहे भजन लाल शर्मा को सहयोग देने भी शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम बनाई गई दिया कुमारी वसुंधरा के आशीर्वाद की बात कर रही हैं। बीजेपी का नेतृत्व जानता है कि वसुंधरा को नाराज रखना पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगले ही साल लोकसभा का चुनाव है। इसलिए रणनीति के तहत वसुंधरा से ही भजन लाल के नाम का ऐलान करवाया गया। अब वसुंधरा राज्य मंत्रिमंडल में अपने लोगों को मंत्री बनवा सकती है, लोकसभा चुनाव में अपने लोगों को टिकट भी दिलवा सकती हैं। 70 साल की वसुंधरा अगर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने का मन बनाती हैं, तो फिर 2024 में मंत्री बन सकती हैं। बाकी आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इस पे आपकी क्या राय है? आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।